गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में बीती रात सुरनी गांव में मूर्ति विसर्जन करने के दौरान दो समुदाय के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों की टोली सुरनी गांव के मुस्लिम टोला मोहल्ला की ओर गुजर रही थी। इसी बीच दूसरे पक्ष से पथराव कर दिया गया। इस पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 6 वर्षों से 2 गुटों के बीच तनाव बना हुआ था। वहीं मेघामा SDPO के नेतृत्व में कल रात से ही गांव में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। SDPO ने कहा कि कई बार यहां ऐसी घटना घट चुकी है, इस बार प्रशासन इतना कठोर कार्रवाई करेगा कि असामाजिक तत्वों ऐसी गलती करने का कदम नहीं उठाएंगे। इसी स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ था। गोड्डा पुलिस कप्तान की माने तो स्थिति को नियंत्रण करते मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया है। 2 लोग चोटिल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। गोड्डा झारखंड से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट, जगह न्यूज 24। स्थिति है सुरनी का सर, अभी वर्तमान में सुरनी में मूर्ति का विसर्जन था, उसी को लेकर एक कोई विचार लोग कोई समुदाय के लोग ईटा पत्थर कर दिए, जो कि बहुत गलत हुआ। तो क्या आप लोगों के जो कानूनी प्रक्रिया के साथ आप लोग प्रक्रिया के साथ पूरी विधि सम्मत कार्रवाई होगी? ये ऐसा तो नहीं लगता है सर, कागज पे ही रह जाएगा ऐसा? जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं, गलत काम किए हैं, गलत मंशा रहा है, उनका मंशा पर पानी फिर जाएगा। पिछले बार मुहर्रम में आप लोग समझौता खुद किए थे सर, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं लगता है कि इस गांव को किसी का नज़र लग गया हो? 2-4 आदमी हर समुदाय में या हर व्यक्ति तबके में गंदा होते हैं, गंदा आदमी पसंद आ गया है, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगा? कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है ना सर, आगे आगे दिन इसी तरह का फिर माहौल देखा जाएगा ना? नहीं, कार्रवाई ये मामला है कि मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, तो इसी में पीछे में कुछ शरारती तत्व कुछ ईंटा पत्थर फेंक दिए, है ना, कि एक दो आदमी को कुछ चोट लग गई हल्का, तो इसमें हम छानबीन कर रहे हैं, फिर कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा अभी आने के क्रम में पूरा सड़क पे पत्थर और ईंटा फेंका हुआ। आखिर इस तरह पहले भी आप लोगों के द्वारा पूरा एकदम समझौता, मतलब जो भी मतलब आपसी जो समझौता होता है वो कराया गया था, लेकिन फिर आज प्रशासन का तो काम है शांति व्यवस्था कायम रखना, हम लोग शांति व्यवस्था सर 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 प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी के मन में तो नहीं घुसे हैं बदमाशी की, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर कब तक इस तरह चलेगा? जब तक बदमाशी करेगा तब तक कार्रवाई करेंगे। आखिर ऐसा नहीं लगता है कि अगर जिले प्रशासन के कड़ी कार्रवाई नहीं करने के कारण ऐसा ना? ऐसा नहीं, जब भी घटना घटी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जो भी गलती किया है उस पर कार्रवाई किया, इस बार भी जो गलती किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं लगता है पूरा, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हो या मुसलमान समुदाय के लोग हो, आखिर जब भी किसी का पर्व आता है तो इस तरह का माहौल, पूरा जिले का पदाधिकारी हो या फोर्स हो यहाँ पे तैनात करना पड़ता है। तो परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा ही, लेकिन जो गलती किया है उस पर कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, और इस बार भी हम लोग करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आए दिन ऐसा सर माहौल बनता है यहाँ पर, और जब भी कोई तरह का कार्यक्रम होता है या हिंदू समुदाय को या और किसी समुदाय को, बराबर ऐसा घटना यहाँ घटती है, इसमें क्या करना है? देखिए, जो भी शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं और उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और इस बार ऐसा कार्रवाई करेंगे कि फिर वो लोग भविष्य में या तो सुरनी छोड़ कर भाग जाएगा या फिर बिल में घुस जाएगा। लेकिन सर प्राय करके अभी तक गोड्डा जिला में सबसे ज़्यादा सुरनी गांव का ही नाम आ रहा है। सुरनी देखिए विगत मेहरवा प्रखंड में 2019 से सुरनी में कुछ घटनाएं घटी है, जिसके बाद से ऐसी माहौल बन रही है सर, तो क्या स्थानीय प्रशासन को क्या कहिएगा? नहीं, प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन हमेशा उपस्थित है, जितना फोर्स जितना बल की जरूरत होती है हम लोग उपलब्ध कराते हैं, खुद आते हैं, SP साहब DC साहब भी पीछे विजिट किए थे, तो हम लोग का ध्यान पूरा सुनने पर आता है। कोई क्या लगता है दिन सर हो पाएगा यहाँ? आए दिन यहाँ कुछ नहीं होगा, प्रशासन के सामने कुछ नहीं है, जो भी गलती करेगा हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ओके, अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जगह न्यूज 24।